तो जयंत चौधरी आज मथुरा के अलग अलग विधानसभा में सभाएं कर रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। मथुरा आने के पीछे क्या वजह है आपकी? क्या इसलिए क्योंकि जो ब्रज है, ब्रज से बीजेपी के समर्थन में वोट शुरुआत से मिलता रहा, इस बार किस तरीके से चोट जयंत चौधरी का? मैं यहाँ से MP रहा हूँ, मेरी यहाँ क्षेत्र में घर घर में रिश्ते हैं और जवाबदेही भी है। मैं चाहता हूँ इस क्षेत्र ने जिस तरह से सींचा था RLD को, इस गठबंधन को भी इसी तरह से क्षेत्र मजबूती देगा, और इसलिए प्रचार है लोगों के बीच है। और यहाँ जनभावना भी जुड़ी हुई है। इस क्षेत्र ने जो किसान आंदोलन चला उसमें बड़ा एक भूमिका और योगदान यहाँ के किसानों का था। लगातार इन लोगों ने मोर्चा संभाले रखा और जो धरना चल रहा था हरियाणा में भी, वहाँ की भी यहाँ के लोग, छाता के लोग जाके सपोर्ट किया करते थे। पश्चिमी यूपी की राजनीति इन दिनों पूरे इर्द गिर्द आपके ही घूम रही है, और ऐसे में कल PM मोदी ने जब सभाएं की, उन्होंने वर्चुअल रैली की जिसमें उन्होंने जाट का जिक्र किया खास तौर पर, तो आपको लग रहा है कि ये जो जाट बहुल इलाका है वहाँ पर सबकी नजरें जाट पर? पता नहीं क्या बड़ी अजीब और गरीब चीजें हो रही हैं। हरियाणा में जो पार्टी कह रही थी गैर जाट मुख्यमंत्री बनाएंगे, अब वो राग सा अलापना शुरू कर दिया जाट जाट जाट। एक तरफ वो कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं और पूरे समाज के लिए काम करते हैं, सर्व समाज को लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये नारे हैं, बस खोखले नारे हैं। अब चुनाव में फायदा लेने के लिए वो जाति पे आए हैं, तो हम तो जाति की बात नहीं कर रहे, हम तो पूरे वर्ग की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो खेती करने वाले लोग हैं, जो यूथ सेगमेंट है, नौजवानों ने आगे बढ़कर इनको बड़ी ताकत दी थी और वो आर्थिक तंगी से परेशान है, वो बेरोजगारी से परेशान है, उन मूल समस्याओं पर हमें चर्चा करनी चाहिए। बीजेपी आपको लेकर बड़ी सॉफ्ट नजर आ रही है शुरुआत से ही, भले आपने क्लियर कर दिया है कि आप चवन्नी नहीं है जो पलट जाएंगे या तमाम चीजें, लेकिन आज की तारीख में भी अगर बीजेपी सॉफ्ट नजर आती है जयंत चौधरी को लेकर, क्या वजह है आपसे जानना चाहूँ? वो सॉफ्ट इसलिए भी हो सकते हैं कि शायद वो डरते हैं कि अगर दे ट्राई एंड टेक मी ऑन, नतीजे अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए क्योंकि चुनाव के बाद की उनकी कुछ और प्लानिंग? नहीं, वो नहीं, उनके एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है हमें आइसोलेट करने की। आज जो विश्वास बन रहा है, जिस तरह से ट्रांसफरबल हो रहा है, हमारा वोट भी ट्रांसफर हो रहा है और समाजवादी का वोट हमारे पक्ष में आना चाह रहा है, कहीं ना कहीं उसमें टूट हो जाए, उसमें कमजोरी आ जाए, उस रणनीति के तहत ही काम कर रहे हैं। उनका कोई विशेष लगाव ना मुझसे है, ना मेरे मुद्दों से है, ना मेरे लोगों से है। ऐसा क्यों है कि 36 बिरादरी की बात वो भी करते हैं, 36 बिरादरी की बात आप भी करते हैं? करना भी चाहिए, देश तो तभी आगे बढ़ेगा अगर हम उन्माद की राजनीति करेंगे और भड़काएंगे लोगों को, तो फिर वो चीज ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं सकती। ये गंगा जमुनी तहजीब का इलाका रहा, यही हमारी आदत रही आपस में मिलजुल कर रहने की, कुछ देर बिगड़ी थी बीच में, ये लोग सत्ता में आ गए, अब इन्हें सजा मिलेगी। लेकिन अब मुझे ये बताएं आप कि ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है इसको लेकर क्या कहेंगे? ध्रुवीकरण की राजनीति बार बार करने की कोशिश हो रही? नहीं हो रही, इसके लिए समाज को भी एक समाज की बड़ी भूमिका होती है, और राजनीतिक दल इतना ही कह सकते हैं कि हम संदेश दें कि नेतृत्व हमारा उन बातों पर विश्वास नहीं रखता। हमने लगातार कार्यक्रम चलाया है और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वो भाईचारे की बात करते ही नहीं है। हमने कार्यक्रम चलाया भाईचारा जिंदाबाद, और सिर्फ शहरों में नहीं किया, गांव देहात में किए कार्यक्रम। तो जो कोई भाईचारा जिंदाबाद के कार्यक्रम में आ रहा है, भाग ले रहा है, सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका मन तो वही है ना। तो ऐसे नीचे से भावना अगर हम पैदा कर लेंगे तब तनाव नहीं बन पाएगा। मेरे मन में एक लंबे वक्त से सवाल था, मैं आप जयंत चौधरी को एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देना चाहती हूँ चुनाव के बाद का, कि अगर बीजेपी को सिर्फ कमी होती है तो RLD के समर्थन की सरकार बनाने में अगर कहीं से चूक, मान लीजिए कि बसपा के समर्थन से या AIMIM के समर्थन से भी अगर सरकार बनाने में कहीं ना कहीं चूक रही है बीजेपी और समर्थन अगर उनको सिर्फ जयंत चौधरी का चाहिए, तो जयंत चौधरी क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन? कल आप पिछले 2-3 चुनाव देखिए, उत्तर प्रदेश में जो जनता तय करती है तो चूकती नहीं है। 2 चुनाव से तो लगातार पूरी बहुमत दे रही है, तो इसलिए हम मिसरीड कर रहे हैं। अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं, आप मिसरीड कर रहे हो, स्थिति ये है कि पूरी तरह से जनता ने मन बना लिया है और एक एक वेव एक लहर चल रही है। आपका जवाब हाँ में होगा या ना में? ये स्थिति नहीं बननी, और मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं कैसे पलट जाऊँ। उन्होंने कल ही आपने देखा पूरे देश भर ने किसानों ने जो अविश्वास है किसानों का, जिस तरह से किसानों के साथ झूठ बोला गया उसका विरोध किया है। ना तो 700 किसान जो मारे गए उन परिवारों का उन्होंने कुछ ख्याल रखा, उनके लिए कोई घोषणा की, ना ही जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे आंदोलन में वो मुकदमे वापस लिए, ना ही MSP के लिए उन्होंने कमेटी बनाई। तो मुद्दे तो जब हमारे मुद्दे उन मुद्दों को लेके लगातार हम चल रहे हैं, मैं कैसे बदल जाऊंगा?
बार बार वो कह रहे हैं। अच्छा मैं एक आखिरी सवाल है, चलिए ठीक है ये सवाल मैंने छोड़ दिया, मैं एक सवाल करना चाहूँगी। आपके डिप्टी सीएम बनने की चर्चा खूब है, अगर अखिलेश यादव सीएम बनते हैं, सरकार आती है, तो जयंत चौधरी डिप्टी सीएम बने? मैंने खुल के कहा मेरी अभी अपने लिए व्यक्तिगत तौर से कोई इच्छा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पार्टी को रिवाइव करूँ और पैन इंडिया भी कुछ फोकस, जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम है किसानों की राजनीति में, ओवरऑल कुछ यंग लोगों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और इसलिए मैं और अखिलेश जी साथ आए। ये मेरा आखिरी सवाल है, वो पलायन की बात करते हैं, वो दंगे की बात करते हैं, आप जनता के बीच जाते हैं, आप बार बार किसान आंदोलन की याद दिलाते हैं जो कि कुछ महीने पहले ही खत्म हुआ है, आप इमोशनल कार्ड खेलते हैं, इसके पीछे की क्या रणनीति? क्योंकि भावनाएं ही सब कुछ हैं और लोग असली मुद्दों को जानते हैं, उनको लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है और चुनाव ही एक मौका होता है जब इन बातों की हम चर्चा कर पाते हैं, वरना लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तो आज भी अगर हम इश्यूज की बात नहीं करेंगे और इस तरह की बातें कर लेंगे उलझाने वाली, तो कोई फायदा नहीं। बातचीत करने के लिए तो ये जयंत चौधरी हैं, मथुरा के इस वक्त जिस विधानसभा में ये पहुंचे हुए थे, यहाँ पर आप तस्वीरों को देख सकते हैं, छाता विधानसभा है और तमाम किसान इनको यहाँ सुनने के लिए पहुंचे थे, गाड़ियों का काफिला भी है, अब दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन तमाम सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इमोशनल कार्ड खेलने के पीछे जो ज़रूरत है वो ये कि जनता को बार बार याद दिलाया जाए, किसानों को बार बार याद दिलाया जाए जो आंदोलन हुआ था उसको लेकर, उनका काम है दंगे की बात करना, पलायन की बात करना, तमाम मुद्दों पर, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी के सॉफ्ट कॉर्नर होने के पीछे वजह क्या है? इस पर उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि ये उनकी रणनीति हो सकती है, लेकिन वो मतलब साफ है, उनका मत साफ है कि वो बीजेपी के साथ चुनाव के बाद भी किसी भी स्थिति में नहीं जाएंगे, उन्होंने स्पष्ट किया। अपने सहयोगी अजय तिवारी के साथ श्री एबीपी न्यूज मथुरा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।